Good morning, students. Myself Vijendra Chauhan from Sri Narayan Vidyalaya Kanha, and I am your science teacher. So we are continuing our next topic today, that is adaptation in forest and grassland animals. So students, before starting this new topic, all of you have to open your textbook and read along with me. And similarly, these things are very important as a reading point of view for all of you. So students, today what we are doing, today we are doing adaptation in forest and gradual animals. कार्निवरस एनिमल्स लाइक जैसे जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कौन कौन से मांसाहारी जानवर हैं, वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर, लायन, ये सभी कार्निवरस एनिमल्स हैं। इनके लेग्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके लेग्स स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेजी से दौड़ सके। और तेजी से क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि वो किसी एनिमल का शिकार कर सके। और साथ में ही उनके क्लॉज वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ। ये जो दो दांत होते हैं, इसे कहते हैं हम कैनाइन टीथ। ये जो दो कैनाइन टीथ होते हैं, ये भी बहुत उनके बड़े बड़े टीथ होते हैं। क्यूज बड़े और पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो किसी को भी जब जानवर को ऐसा पकड़ ले तो वो उनके दबोच से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो यही रीजन है उनके टीथ, क्लॉज और लेग्स के स्ट्रांग होने का। अगर ये सब ना हो तो वो शिकार ही नहीं कर पाएंगे, और अगर शिकार नहीं कर पाएंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज। आपने कभी टाइगर देखा होगा, टाइगर के जो पॉज होते हैं यहाँ नीचे से, वो पैडेड होते हैं। पैडेड मीन्स एकदम सॉफ्ट। बिल्ली देखा है ना आपने, बिल्ली में भी ये पैडेड होता है। क्या होता है? पैडेड मीन्स सॉफ्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो शिकार करते हैं तो स्लोली स्लोली वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके चलने की, कदमों की आवाज नहीं आती। एंड इन दिस वे दे कैन कैप्चर देयर प्रे वेरी इजीली, एंड इवन द प्रे डजंट नो अबाउट दैट द प्रेडेटर इज देयर। सो द आईज ऑफ द प्रेडेटरी कार्निवरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड। जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनके आंखें हमेशा ऐसे सामने होती है, सामने, ताकि वो अपने शिकार को देख सके और आसानी से उसको पकड़ सके। इवन फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी से भी, अगर शिकार लंबी दूरी पर भी है तो शेर आसानी से देख लेता है, और धीरे धीरे जाकर उस शिकार का शिकार कर लेता है। एंड अब हम अगर बात करते हैं हर्बिवोरस की, हर्बिवोरस मींस शाकाहारी, यस, जो घास खाते हैं। अब जो घास खाते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स की जो आंखें होती है वो एक इधर होती है, एक इधर होती है, मींस बिलो द फोरहेड, यहाँ फोरहेड के नीचे होती है, और एक इधर होती है, एक इधर होती है, मींस दो साइड में इस तरह से होती है। और दिस गिव्स देम वाइड एंगल ऑफ विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और इससे क्या होता है, इधर और इधर आंखें क्यों होती है, क्योंकि वो इधर से पूरा वाइड एंगल में देख सके, इधर से पूरा वो वाइड एंगल में देख सके, और वाइड एंगल में देखने से उनको अगर कोई शिकारी उनका शिकार करने आ रहा है, शिकारी कौन हो सकता है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, फॉक्स हो सकता है, वाइल्ड डॉग हो सकता है, इनका वो पता कर सके, और लॉन्ग डिस्टेंस से ही वो भागने की तैयारी कर सके। और इस तरह से उनके जो पैर होते हैं, उनके पैर के पीछे भी इस तरह का बना हुआ होता है, ताकि वो तेजी से दौड़ सके। इसका एक अच्छा उदाहरण है डियर। क्या है डियर? और ब्लैक बक्स। दे हैव, देखो, डियर और ब्लैक बक्स की एक और विशेषता है,
देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डियर एंड ब्लैक बक्स. द कलर ऑफ देयर स्किन इज वेरी स्ट्रेंज दैट इट मैचेस विद द सराउंडिंग वेयर दे लिव. जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं उन सराउंडिंग से उनका कलर मैच होता है, मीन्स देख नहीं पाता है शिकारी उन्हें, और इस तरह से वो अपने आप को बचा भी सकते हैं. उसके अलावा जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, उनके टीथ स्ट्रांग क्यों होते हैं? यस, जब वो घास खाते हैं या पत्तियां खाते हैं तो उसे वो चबा सकते हैं, इसीलिए उनके टीथ भी काफी स्ट्रांग होते हैं. So students, I hope you understand adaptation in forest and grassland animals. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो ऑन माई नंबर. I hope you understand. Thank you.